हर चीज के बहुत से फायदे और बहुत से नुकसान हो सकते हैं। कोई चीज 100% ना तो बेनिफिशियल होती है और ना ही 100% नुकसान वाली होती है। एक ऐसी चीज जो आजकल लगभग सबके हाथ में है, वो है मोबाइल। मोबाइल के बहुत से फायदे डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, लोगों को कनेक्ट करता है, रियल टाइम में कनेक्ट करता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जो बाय द टाइम अगर आप अच्छी तरह से नोटिस करें। नंबर वन, जो पहला नुकसान है, जब से गूगल मैप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया है, अब रास्ते अक्सर हमें वैसे याद नहीं रहते जो पहले, जिस रास्ते से हम एक बार गुजर जाते थे, आप लोग कोई भी, तो रास्ते बड़े आसानी से याद होते थे, लैंडमार्क हमें याद रहते थे। मोबाइल नंबर या किसी का फ़ोन नंबर पहले मुंह जबाने याद हो जाता था, जब से अब पर्टिकुलर हमने इसको हर चीज़ को फीड करना शुरू कर दिया है, तो बहुत बार तो हमें अपने घर वालों के नंबर भी बहुत से लोगों को जबाने याद नहीं मिलेंगे। तो मेमोरी पे इसका एक बहुत जो है गहरा असर अगर हम कहें तो पड़ा है। दूसरा, जो आजकल हम रील्स वगैरह जो छोटी छोटी वीडियोज जो देखने की आदत पड़ गई है, इससे एक चीज़ बड़ी है, अगर आप देखेंगे लोग बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप एक जगह पे शांत नहीं बैठ सकते हैं, दिमाग हाइपर एक्टिव मोड में रहता है और दिमाग चीज़ों को रिटेन नहीं करता है। मेमोरी लॉस इसकी वजह से भी देखा जा रहा है। अटेंशन डेफिशिएट, एक चीज़ पे ध्यान ना टिक पाना, इसके इसका एक बहुत मेजर रीजन्स ये छोटे छोटे स्मॉल रील्स जो हम सुबह से शाम तक देखते हैं, ये एक उसके पीछे एक बहुत बड़ा इसका एक रीज़न है। तो डिजिटल एडिक्शन एक नई बीमारी बन के आ रही है, बन के उभर रही है, और बहुत सी कंट्रीज में तो इसके डी एडिक्शन सेंटर तक खुल गए हैं। सो आप किसी भी चीज़ को उतना इस्तेमाल ज़रूर करें जितना उसकी एक रियल यूटिलिटी निकले, लेकिन उसका अधिक इस्तेमाल कई बार डेफिनेटली हमें बीमार बना सकता है। और डिजिटल एडिक्शन आने वाले टाइम में हिंदुस्तान की भी एक नई बीमारी बनने जा रही है। रात में टाइम से ना सो पाना, उसकी वजह से नींद का पूरा साइकिल खराब होना, इसमें भी मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है। दिन में पूरे दिन थके थके रहना, दिन में बैठे बैठे कहीं पर नींद आना, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। आपस में इंटरकनेक्शंस ख़त्म होना, हर वक्त हम मोबाइल पे बिजी रहते हैं, वो भी एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस गैजेट्स की वजह से हमें डेफिनेटली एक श्राप की तरह मिल रही है। इसके फायदे अपनी जगह पे हैं, सो कोशिश करें इसका लिमिटेड यूज़ करें और इसके से होने वाले संभावित नुकसान से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें। थैंक यू।